हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। लास्ट टाइम हमने बताया था कि प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के वास्ते एक मेरा सीरियल पार्ट वन था, मतलब पार्ट टू में आपको समझाएंगे कि वैल्यूएशन होता क्यों है या वैल्यूएशन करते कैसे हैं। एक्चुअली होने का पर्पज़ तो मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था, लेकिन करते कैसे जो हमारे टेक्निक है, वैल्यूएशन क्या होता है, कैसे होता है, तो उसको जॉटिंग करके मतलब हम लोग पाँच छः कैटेगरी में पाँच छः स्टेप्स में बता सकते हैं। जैसे अब समझो कोई बिल्डिंग हमारे पास आती है, समझो ये बिल्डिंग कोई ऐसा प्लान आता है हमारे पास कि वैल्यू करना है, इसको देखना है या इसके बारे में आपको बताना है कि कितने की है बिल्डिंग या क्या कॉस्ट है इसकी, आज की डेट में सेलेबल वैल्यू क्या होगी इसकी। तो जो डेफिनेशन वैल्यूएशन की है कि नो वैल्यूएशन कैन बी डन विदाउट सीइंग द स्ट्रक्चर। आपने किसी स्ट्रक्चर को देखा नहीं, उसकी वैल्यूएशन आप नहीं कर सकते। हाँ, किसी पुराने वैल्यूअर का रिपोर्ट आया है तो आप उसके पास अपना ओपिनियन दे सकते हो कि भाई ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, बट अगर ये कहा जाए कि वैल्यूएशन कैसे बगैर देखे कर सकते हैं क्या, तो इसका जवाब नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप इज साइट इंस्पेक्शन। जिस जगह पे भी आप जाते हैं, जो जो प्रॉपर्टी आपके पास वैल्यू के वास्ते आती है, तो व्हाट वी डू आफ्टर द अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट के बाद में हम उसके पेपर डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। समझो मिस्टर एक्स के नाम पर प्रॉपर्टी है, तो वेदर द डॉक्यूमेंट्स इज और नॉट, जो आदमी बोल रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी आप उसकी वैल्यूएशन कर दो, तो उसके बोलने पर हम नहीं जाएंगे, हम उसका डॉक्यूमेंट चेक करेंगे किसकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि वैल्यूअर है तो सर्टिफाई कि किसकी हमने प्रॉपर्टी वैल्यू की है। गए हमने साइट इंस्पेक्शन के अंदर में, उसके बाद वहाँ हमारा काम चालू होता है। साइट इंस्पेक्शन में नॉर्मली देयर हैज़ टू बी मोर देन टू पर्संस ताकि पूरी चीज़ें बराबर देख सके, तो नॉर्मली मेरे साथ चार पाँच लोग रहते हैं। हम लोग जाके सबसे पहली बात तो जो पार्टी ने बताया, जो क्लाइंट ने बताया कि ये प्रॉपर्टी हमको वैल्यू करनी, ये बिल्डिंग करनी है, तो जो उसने हमारे पास लिख के दिया उसका नंबर उस पर टैली हो रहा है कि वो चेक करना ज़रूरी है। अदरवाइज होगा क्या, मैं बिल्डिंग नंबर 10 का वैल्यूएशन चाह रहा हूँ और 11 दिखा रहा हूँ, आप डॉक्यूमेंट्स पर उसको वेरीफाई करेंगे तो यू विल बी अंडर क्वेश्चन इन केस ऑफ लिटिगेशन, आपसे कोर्ट पूछ सकती है कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। तो वेरीफाई दी डॉक्यूमेंट, वो पहली चीज़ है कि साइंस इंस्पेक्शन से गए हम, इंस्पेक्शन से हमने देखा कि भाई यही बिल्डिंग है जिसके बारे में इसने बताया, तो ओके ठीक है। बिल्डिंग के बाद में या प्लाट फ्लैट है, शॉप है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ है, तो उसके बारे में फिर उसका मेजरमेंट होता है, फिर हम वी गो फॉर मेजरमेंट। मेजरमेंट कर लिया तो अपने पास ये आ गया कि इतना स्क्वायर फीट एरिया है, इसका इतने स्क्वायर मीटर लैंड है, जो भी है, तो वैल्यू करने में वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रखती है मेजरमेंट। ग्राउंड फ्लोर है कि फर्स्ट फ्लोर है या ग्राउंड प्लस फर्स्ट है, टू है, थ्री है। जैसे मेरे एक अभी हम लोगों ने बांद्रा में एक वैल्यूएशन किया था, हमारे पुराने क्लाइंट थे, उनका वैल्यूएशन रिपीट वैल्यूएशन हुआ है, तो उसके फोटोज़ वगैरह मैं आपके साथ शेयर करूँगा, आप देख लीजिएगा। उसके बाद मेजरमेंट हो गया, मेजरमेंट में हमने वेरीफाई की भाई इनके पास में पीसी है, एसी है, जो भी है, तो क्या चीज़ें हैं जो विच आर इन्हांसिंग दी वैल्यूज ऑफ दी प्रॉपर्टी और वॉट आर द थिंग्स विच आर डिक्लाइनिंग और जो आपका रिड्यूस कर रही वैल्यू ऑफ दी प्रॉपर्टी, उसके ऊपर थोड़ा हम लोग बात करते हैं क्लाइंट के साथ में। उसके बाद में क्या होता है, फोटोज़ लेते हैं, स्पेसिफिक फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू, पेरीफेरी का उसका फोटो लेते हैं कि भाई फोटो में समझ में आया कि ये चीज़ ऐसी ऐसी है। हाँ, उसके बाद प्रॉपर्टी वेरीफिकेशन के वास्ते डॉक्यूमेंट क्या देख, तो टाइटल डॉक्यूमेंट में आपको प्रॉपर्टी टैक्स भरी रसीद मिलेगी, उसका वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल मिलेगा, उनके रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट मिलेंगे। दैट ए गुड वैल्यूअर हैज़ टू स्टडी द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के अंदर में क्या लिखा है, उनके जो चतुर्सीमा या उसका जो साउथ में क्या है, नॉर्थ में क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, प्रॉपर्टी के आजू बाजू में क्या है, वो वेरीफिकेशन भी हमको करना पड़ता है। और इन आवर वैल्यूएशन वी हैव टू गिव दैट रिपोर्ट कि भाई नहीं, ये बिल्डिंग नंबर एक्स के साउथ में ये था, ईस्ट में ये था, वेस्ट में ये था, नॉर्थ में ये था, तो आइडेंटिफाई दोस्त थी। आजकल तो बहुत आसान हो गया, हम लोग लोकेशन मैप डाल देते हैं। उसके बाद क्या होता है, लोकेशन मैप, जैसे मैंने कहा कि लोकेशन मैप वी हैव टू ड्रॉ द लोकेशन मैप कि भाई ये बिल्डिंग है, इसमें रोड ऐसा है, यहाँ पे पहुँचने का एक्सेस ऐसा है, एक हो गया। नाउ इट इज़ व्हाट वी डू आफ्टर गूगल, वी टेक गूगल मैप, गूगल का जीपीएस मैपिंग करके एग्जैक्टली लोकेट करके उसको प्रॉपर्टी वो मैप देते हैं साथ में। थोड़ा सा काम टीडियस हो जाता है, मगर ठीक है, उससे क्या होता है कि स्पेसिफिक मालूम पड़ जाता है कि बिल्डिंग या प्रॉपर्टी यहाँ पर, लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इज आइडेंटिफाइड कि भाई बराबर है जो आप बता रहे हैं, जो गूगल बता रहे हैं उससे मैच हो रहा है, सेटेलाइट मैप में भी दिख रहा है, टैली हो जाता है। अब उसके बाद में हम लोग चेक करते हैं गवर्नमेंट वैल्यूअर क्या है, गवर्नमेंट वैल्यूएशन क्या है ऑफ द सेम प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट का एक ASR बोलते हैं उसको, एनुअल शेड्यूल ऑफ रेट, गवर्नमेंट के स्टैंप एंड वैल्यूएशन डिपार्टमेंट से हर साल एक रेट फिक्स होता है, 31 मार्च को, 1 अप्रैल टू पूरे साल के लिए रेट फिक्स होता है, उसको शेड्यूल ऑफ रेट बोलते हैं, एनुअल शेड्यूल ऑफ रेट ASR। तो उसमें वैल्यू चेक की जाती है कि भाई ये प्रॉपर्टी नंबर, ये CTS नंबर, ये लोकेशन, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे, उसका स्टैम्प ड्यूटी रेट क्या है। अब उस स्टैम्प ड्यूटी रेट से कभी कभी होता है कि डिफर होता है वैल्यू, एक्चुअल में वैल्यू ज़्यादा हो सकती है, कम भी हो सकती है,
कई कारण होते हैं, वो अपने को स्पेसिफाई करना पड़ता है वैल्यूअर को। गवर्नमेंट वैल्यूएशन में अगर वेरिएशन है बहुत ज़्यादा तो देन यू हैव टू गिव जस्टिफिकेशन, बाकायदा क्लॉज होता है उसके अंदर में, यू हैव टू गिव जस्टिफिकेशन कि भाई क्यों ऐसा फ़र्क आ रहा है, गवर्नमेंट की वैल्यू कम क्यों दिख रही है, आपकी ज़्यादा क्यों दिख रही है, या गवर्नमेंट की ज़्यादा क्यों है और आपकी कम क्यों है, क्या वजह। उसकी लोकेलिटी के बारे में बोलना पड़ता है, उसके एज ऑफ द बिल्डिंग के बारे में बोलना पड़ता है, उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बोलना पड़ता है, क्वालिटी ऑफ वर्क के बारे में बोलना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें उनकी मतलब वैल्यू इंप्रूव करने के हिसाब से काम आती हैं। उसके बाद में एनुअल शेड्यूल ऑफ रेट के अंदर में अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो वी से कि देर इज माइनर डिफरेंस इन दी एएसआर और वो वेरीफाई करके दे देते हैं। उसके बाद हम निकालते हैं फेयर मार्केट वैल्यू। आज के डेट में इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का रेट या वैल्यू अगर हम बेचने जाएंगे तो ये आएगा भाई, जिसकी चीज़ है वो चाहेगा मुझे ज़्यादा में ज़्यादा मिले और जिसने ख़रीदना है वो चाहेगा मुझे कम में कम मिले। तो उस बीच में वैल्यूअर का ओपिनियन बहुत वैल्यू रखता है, क्योंकि क्या है, हम एज ए कंसल्टेंट या एज एन ओपिनियन गिवर फेयर ओपिनियन होना चाहिए कि भाई मार्केट वैल्यू ऐसी है उससे 5-10% आगे पीछे 10-20% ऊपर नीचे हो सकता है, सब्जेक्ट टू डिमांड एंड सप्लाई। आपको नेसेसिटी ज़्यादा है तो आप ज़्यादा वैल्यू देकर खरीदोगे और बेचने वाले की नेसेसिटी ज़्यादा है तो कम वैल्यू में बेचेगा। उस चीज़ को ध्यान में रख के फेयर मार्केट वैल्यू पे आया जाता है। उसके बाद में एक पॉइंट ऐसा होता है कि भाई ये जो हमने वैल्यूएशन किया, अगर इसको इसका मॉर्गेज करना है, बैंक से लोन लेना है, तो नॉर्मली बैंकर्स 70-80% पैसा देते हैं। समझो अगर आपका वैल्यू एक करोड़ की आ गई तो 80-70 लाख देते हैं, तो वो डिफाइन करके देना पड़ता है। उसके अंदर डिफाइन करने के बाद में फिर ये होता है कि भाई ठीक है, लास्ट में कंक्लूजन लिखते हैं हम कि वी हैव विजिटेड सो एंड सो, ऐसा ऐसा होने के बाद में ये प्रॉपर्टी इसकी इंपॉर्टेंस ऐसी होने की वजह से इतना वैल्यू उसकी हो रही है, और विदाउट प्रेजिडाइज देना पड़ता है। आपका ओपिनियन इट शुड नॉट अफेक्ट दी जुडिशियल सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम के अंदर में बीच में इंटरफेयर नहीं करें, विदाउट प्रेजिडाइज ओपिनियन देता है। फेयर ओपिनियन कोर्ट में उसको यूज़ किया जा सकता है, बट कोर्ट में उसको एज ए फाइनल वर्डिक्ट बोल के नहीं माना जा सकता है। वैल्यूएशन का काम कंप्लीट होने के बाद में एक बुकलेट की शक्ल में हम लोग उसको सर्टिफिकेट इशू करते हैं, और वैल्यूएशन के अंदर में कई बातें, मतलब अगर मेरे पास और डिमांड या और कमेंट्स आएंगे मैं इंशाल्लाह उसको आगे से डिफेंड करूंगा कि भाई आगे और दूसरे वैल्यूज़ कैसे होते हैं, वैल्यूएशन कैसे होते हैं। बट फॉर द टाइम बीइंग एक वैल्यूएशन का प्रोसेस मैंने कोशिश की है कि आपको 5-7 मिनट में ऐसे समझा सकूं कि हम लोग वैल्यूएशन करते कैसे, वैल्यूएशन होता कैसे, उसके काम उसके फ़ायदे मैंने अपने पार्ट वन में बता चुका है। और आपको अगर लगता है कि और कुछ इसके बारे में होना चाहिए यू कैन राइट मी डाउन, और मुझे अच्छा लगेगा कमेंट्स आने के बाद में। और एक चीज़ और अच्छी लगी मुझे कि लोग ये मेरे हाथ के निशान के बारे में पूछे कि हाथ के निशान क्या है, तो इट्स ए बर्थमार्क, पैदाइशी है। और ऑल द बेस्ट फॉर टुडे, थैंक यू।